2014 में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी के लिए रोहतक में कमल खिलाने का सपना है और इस सपने को पूरा करने के लिए सीएम मनोहर लाल रोहतक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। अरविंद शर्मा के लिए बीजेपी ने विजयी संकल्प रैली को संबोधित किया। सीएम मनोहर लाल ने रोहतक के सांपला और झज्जर के बेरी में सीएम ने धुआंधार प्रचार किया। देखिए रिपोर्ट। 2019 में बीजेपी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट पर जीत का सपना लेकर जनता के बीच जा रही है। सीएम मनोहर लाल खुद स्टार प्रचारक के रूप में प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की विजय संकल्प रैली का रोहतक, कोलसांपला और झज्जर के बेरी में आयोजन किया गया। इस रैली की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। अरविंद शर्मा को रोहतक से जिताने के लिए सीएम खुद प्रचार कर रहे हैं। अपने प्रचार के दौरान सीएम मनोहर लाल ने हुड्डा पर वार किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हुड्डा जनता को चौधर के नाम पर बहकाते हैं। अगर प्रदेश में चौधर आई तो हुड्डा के दलाल चौधरी होंगे। इलाके की चौधर लाएंगे। अरे इलाके की चौधर क्या लाओगे? इलाके में चौधर तो आप उसकी लाओगे जो आपके बिल्कुल रिश्तेदार है, जो आपके अंदर रसोई के अंदर बैठ करके आपके साथ घुलते मिलते हैं, जो आपके साथ खाना खाते हैं, जो आपके दलाल हैं, जो आपके बिचौलिए हैं। ये सोनो मोनो का राज लाने के लिए और ये चौधर मांगते हैं, ये मांगते हैं। इसलिए ये बिचौलिए, ये दलाल, ये जो हमेशा धंधे करते थे, ट्रांसफर पैसे लेके कराते थे, नौकरियां पैसों से कराते थे, लाइसेंस कोटा कोई वो पैसों से कराते थे। बीबीसी की सरकार थी इनकी, बदली भर्ती सीएलओ, जमीनों के घोटाले में ये खा गए। 5 सीबीआई के केस चल रहे हैं इनके ऊपर, 5 सीबीआई के केस। तो ये उनकी चौधरला। अरविंद शर्मा रोहतक में बीजेपी का कमल खिलाने की हर भरसक कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की विजय संकल्प रैली में अरविंद शर्मा विरोधियों पर बरसे। अरविंद शर्मा ने विरोधियों पर वार किया। अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटा है। लोगों के सामने आ चुका है कि कांग्रेस क्या है, असलियत में कांग्रेस क्या है, वो चेहरा सामने आ चुका है और पूरे देश में इस बात का पता लग चुका है कि कांग्रेस जो देशद्रोही का जो कानून था वो लोगों ने पकड़ लिया उस बात को कि उसके मैनिफेस्टो में जो डला है कि देशद्रोही के कानून को अगर वो पावर में आती है तो उसको समाप्त कर देगी। इसका मतलब क्या है, लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है कि किस तरह से मोदी जी ने अलगाववादी नेताओं को और जो देशद्रोह के कानून में आता है उन नेताओं को, उन शरारती तत्वों को बंद किया हुआ। रोहतक लोकसभा सीट पर बीजेपी कमल खिलाने का सपना लेकर चुनाव मैदान में है। रोहतक को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अब देखना होगा कि बीजेपी के सपने का कितना साथ जनता देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।